फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अभी मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सारे फास्ट सा मेकअप बताने वाली हूँ कि राजपूती ड्रेस में किस तरीके से तैयार हो सकते हैं। बहुत सारी शादी के भी सीजन शादी आ रही है एंड अभी सीजन भी है फेस्टिव, तो आप इस तरीके से तैयार हो सकते हो बहुत ही जल्दी। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता के फास्ट बता देती हूँ कि कैसे क्या तैयार होना है। तो हम सबसे पहले, मैंने अभी अपने जो स्किन केयर वो कर लिया है, मैंने अपना टोनर लगा लिया है, मॉइस्चराइजर लगा लिया है, सीरम लगा लिया है, जो कि बहुत ज़रूरी है मेकअप करने से पहले। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि डायरेक्ट मेकअप कर लेते हैं, मेकअप ही तो करना है यार, स्किन केयर की जरूरत है। बट नहीं, आप मेकअप करते हो तो उसमें आपको अपना स्किन केयर करना चाहिए। तो अभी मैंने अपना स्किन केयर कर रखा है, तो मैं अभी फटाफट तो जल्दी से प्राइमर लगाने वाली हूँ। मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ पर्पल का, जो कि मैंने पर्पल से ही परचेज किया था एंड ये मुझे प्राइमर बहुत अच्छा लगा। जो मैटिफाइंग प्राइमर होता है ना, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये ऑल स्किन टाइप है, तो आपको अपनी पर्टिकुलर स्किन टाइप का परचेज करने की नीड नहीं है। एंड पर्पल के जो प्रोडक्ट होते हैं, आपको पता होता है कि वो काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। ओके, प्राइमर हो चुका है। प्राइमर के बाद में मैं यूज़ करने वाली हूँ फाउंडेशन। एंड फाउंडेशन मैं यहाँ पर अपना वाटरप्रूफ ऑयल फ्री फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जिसके अंदर सबसे बेस्ट मुझे फाउंडेशन इसलिए लगता है, जो भी मेरे मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मुझे फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स को उसकी पिक भी दी है, क्योंकि इसमें ना कंसीलर कॉम्पैक्ट वगैरह सब कुछ मिक्स आता है, तो मुझे अलग से कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यार। मेरे को जो फटाफट तैयार होना होता है, मुझे लगता है कि हाँ, इतना ज़्यादा मुझे है ना, मतलब डिटेल वाला मेकअप नहीं करना है, बहुत ज़्यादा स्टेप टू स्टेप मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं फटाफट ये वाला ही फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। ओके, वैसे मैं भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने वाली हूँ, बट ठीक है, इसके ऊपर ले लेंगे हम जो भी जितना भी हमें चाहिए। स्टार्टिंग आप थोड़े से फाउंडेशन से ही करा करो, क्योंकि हम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ले लेते हैं ना, तो फिर वो कवरेज बहुत ज़्यादा गंदा मिलता है। और ये मेरे पास कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर है, जिसे एक मैंने पानी में डिप कर लिया था, और देखिए इसका साइज इतना डबल हो चुका है। थोड़ा सा हम नेक पे भी लगा लेंगे, और उसके बाद में इस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको डैप 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 करके अच्छे से अपने पूरे फेस पर ब्लेंड कर देंगे। इसमें कंसीलर वगैरह सब है, इसलिए मैं अपने अंडर आईज पे भी इसको अच्छे से लगा लूँगी डैप डैप करके, मुझे अलग से कंसीलर लगाने की नीड नहीं लगती है फिर। और आप अगर ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करते हैं तो प्लीज़ अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करिए। इनमें फ़र्क कैसे पता कर सकते हैं, जब आप इसको पानी में डिप करते हो तो जो ओरिजिनल होता है ना ब्रांड का, वो बहुत देखिए इस तरीके से साइज़ में डबल हो जाता है ईज़िली। इस तरीके से देखिए, आप पंप करोगे ना तो ईज़िली स्मूथली ऐसे होगा, और वो है ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब टाइट फॉर्म में होते हैं, और इतनी ज़्यादा उनकी शेप भी नहीं बढ़ती है। ओके, यहाँ पर मैंने अभी फाउंडेशन लगा लिया है, बहुत अच्छा कवरेज मिलता है मुझे इस फाउंडेशन को, बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद में हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं, थोड़ा सा आई मेकअप मैं करूँगी। बहुत ज़्यादा तो खैर आई मेकअप नहीं, मैं यहाँ पर एनके के मेकअप में बस ये आई शेडो पैलेट है, जो कि मैंने थोड़े से अभी ख़राब कर दिया है, तो अभी इनको नहीं देखे तो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले मैं थोड़े से बेस के लिए ब्राउन जो कलर है ना वो ले लूँगी। और उसके बाद में मैं जस्ट अपनी ड्रेस से मैच करता हुआ जो कलर होगा उसका थोड़ा सा लेना है, उसको ऐसे डैप डैप करके, डायरेक्ट अपनी आईज पे कलर ना लगाए। ओके, और उसके बाद में मैं थोड़ा सा ग्लिटरी ले रही हूँ पिंक शेड में, जो कि मैं हाफ आईज पे वो लगा रही हूँ।
थोड़ा सा मैंने ड्रेस से मैच करता हुआ यहाँ पर ग्लिटर लगाया है। उसके बाद में मैं यूज़ करने जा रही हूँ लाइनर, और लाइनर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लैक्मी का। लिक्विड लाइनर है ये। ओके, और लाइनर भी अभी मैंने लगा लिया है, और इसके बाद में मैं यूज़ करने जा रही हूँ मस्कारा। सॉरी, मैं यहाँ पर मनीष मल्होत्रा करके एक ब्रांड है, उसका मेरे पास मस्कारा है। एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ काजल, और सेम ब्रांड मनीष मल्होत्रा काजल है, ये ग्लिटर काजल है। एंड उसके बाद में बहुत ही बेसिक सा मेकअप कर रहे हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप मैं नहीं बता रही हूँ, ये मेकअप आप लोग सब करते होंगे और आपके पास होगा भी ये मेकअप। बाद में हम लोग, हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। बहुत ज़्यादा मेरे पास अभी एक्चुअली ब्रो पेंसिल नहीं है, तो मैं थोड़ा ऐसे ही सेट कर रही हूँ उनको। उसके बाद में हम लोग यूज़ करेंगे शुगर की पैलेट है मेरे पास में। कंटोर मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पता है बहुत बेसिक सा मेकअप कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा यार कट देने का कोई नीड ही नहीं है हमें बेसिक मेकअप में। मैं थोड़ा सा ब्लश यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप अपने चिक्स को मोटा दिखाना चाहते हो तो जस्ट स्माइल करते हो आप अपना ब्लश लगा सकते हैं। एंड मुझे सीरियसली जब मैं ट्रेडिशनली तैयार होती हूँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि मुझे अपने फेस को बहुत ज़्यादा स्लिम दिखाना है या इस तरीके से, मुझे ऐसे ही मेकअप अच्छा लगता है। एंड आप मेरे शादी की फोटोज़ वाला मेकअप देखोगे ना, बहुत ही बेसिक सा मेकअप है, इतना ही मेकअप मैंने उस टाइम पर किया था, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं इतना अच्छा लगता। ओके, यहाँ पर हमने नॉर्मली से ब्लश लगा लिया है, और उसके बाद में हम यहाँ पर थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ करने वाले हैं, और हम अपने जो हाईलाइट पॉइंट होते हैं वहाँ लगाएंगे। ओके, सो मेकअप इज कंप्लीट। कंप्लीट तो नहीं है, खैर अभी हम लोग लिपस्टिक भी लगाएंगे। ओके, तो अभी हम लोग लिपस्टिक लगाने वाले हैं, और मैं यहाँ पर थोड़ी सी ऑरेंज कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी जो ओढ़ने का शेड है ना उसमें ऑरेंज कलर आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ लगा रही हूँ। मैट लिपस्टिक है, मैट तो नहीं है, प्रॉपर मैट नहीं है।
S22 शेड, इसका लिप शेड है मैट में। ओके, स्टिक भी हो चुकी है। एंड इसके बाद में हम लोग अभी क्या करेंगे ना, अपना जो मेकअप फिक्सर स्प्रे है वो कर लेंगे। मेरे पास ये ब्लू हेवन का है एंड ये बहुत अच्छा मेकअप स्प्रे है। अपनी जस्ट आईज को क्लोज करना है और बस दूर से एंड ये अपने आप थोड़ी सी देर में ड्राई हो जाएगा। ये आपको आपके जो मेकअप होता है ना उसको लॉन्ग लास्टिंग रखता है। उसके बाद में हम लोग बिंदी लगा लेंगे और मैं यहाँ पर स्वास्तिक की बिंदी लगाने जा रही हूँ। ये ऑल कलर वाली बिंदी है तो मैं अपनी जो ड्रेस के अकॉर्डिंग इसमें से बिंदी ले लेती हूँ। नाउ मेकअप कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है ज्वेलरी की। सो मैं यहाँ पर आज वेयर करने वाली हूँ और मैं अभी यहाँ पर थेवा ज्वेलरी यूज़ करने वाली हूँ। आप लोग भी सोचोगे कितना थेवा दिखाती है ना, बट क्या करें, स्पॉन्सर कर रखा है तो दिखाना होगा। एंड बहुत डिफरेंट डिफरेंट और आपके बजट फ्रेंडली मैं ज्वेलरी लेके आती हूँ। एंड ये देखिए बहुत प्यारा सा सेट है मेरे पास में यार, जो कि आप नॉर्मली किसी शादी में जा रहे हो, कोई छोटा मोटा इवेंट है, कोई भी त्योहार वगैरह है यार, कुछ भी, तो इस तरीके से आप ये ज्वेलरी पहन सकते हो। और ये देखिए ये इयररिंग्स हैं, देखिए मैं पहन लेती हूँ। अभी शादी का सीजन चल रहा है और आप इस तरीके से तैयार हो सकते हो, बहुत प्यारे लगोगे। एंड जो ज्वेलरी है ये थेवा सोनकांस थेवा स्टोर से परचेज की हुई है और इनका इंस्टाग्राम पे भी पेज है सोनकांच करके, और एड्रेस वगैरह मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, फिर भी आप लोग पूछ तो मुझसे। वैशाली नगर के बिग बाज़ार के पास में है सोनकांच थेवा स्टोर। और आप अगर आपको नंबर वगैरह चाहिए तो आप लोग मुझे प्लीज़ DM कर सकते हो, मैं आपको वहाँ से बता दूँगी। ये देखिए आप कितना प्यारा सेट है ये, आप नॉर्मली शादी के लिए किसी फेस्टिव के लिए बहुत प्यारा लगेगा। एंड बहुत ब्यूटीफुल सा सेट है ये, देखिए कुंदन में है, इसके इयररिंग्स भी आप देख सकते हो कितने प्यारे हैं, ये देखिए। सो मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है, ज्वेलरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हम अब थोड़ा सा हेयर स्टाइल पर भी ध्यान दे लेते हैं भाई, वो भी एक ज़रूरी ही पार्ट है। ओके, आज तो कॉम भी मैचिंग का हो गया है ड्रेस की। ओके, नाउ थोड़ा सा हेयर कॉम कर लिया है मैंने और सिंदूर के बिना भारतीय नारी कंप्लीट नहीं होती है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर हाफ एंड हाफ का लिक्विड सिंदूर यूज कर रही हूँ, रेड कलर है। ओके, नाउ फाइनल लुक इज हेयर एंड होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दे एंड मुझे कमेंट करके बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लेके आती रहूँ और भी मैं आपके साथ मेकअप लुक डिफरेंट डिफरेंट शेयर करती रहूँगी। ज्वेलरी कैसी लगी प्लीज़ बताना आप मुझे। एंड खम्मा गनी सा।